आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ट्यूलिप फ्लावर हेयर क्लिप्स। जी, ये ट्यूलिप फ्लावर हेयर क्लिप्स बेबी गर्ल्स की फर्स्ट चॉइस हैं। बेबी गर्ल्स को, बच्चियों को ये बहुत पसंद आते हैं। जैसा कि कंजकें आने ही वाली हैं, नवरात्र स्टार्ट होने वाले हैं, कंजकों के लिए स्पेशल मैं ये हेयर क्लिप्स लेके आई हूँ। तो इसे बनाना बहुत आसान है अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो। वेलकम टू फरिश्ता क्राफ्ट माय वंडरफुल क्राफ्ट लवर्स। तो देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने ट्राई कलर, तीन कलर के रंगोली के फ्लावर्स लिए हैं। एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स हैं ये। एक मैंने क्रोचेट हुक यूज किया है 2.5 mm का, कैंची ली है मैंने यहाँ, और एक फेविकॉल एलिफिक्स लिया है यहाँ। व्हाइट कलर के फ्लावर्स का एम्ब्रॉयडरी थ्रेड का यूज करते हुए यहाँ हम रो 1 स्टार्ट करेंगे और स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाते हुए हम 17 चेन यहाँ पर बनाएंगे। अब हम इसको कट कर देंगे सीजर से। तो ये हमारी 17 चेन बनके तैयार हैं। अब हम ग्रीन कलर के एम्ब्रॉयडरी फ्लावर्स का यूज करेंगे और एक स्लिप नॉट बना लेंगे। अपने वर्क को आगे की ओर रखना है और स्लिप नॉट को पीछे की ओर रखेंगे। पहली वाली चेन में क्रोचेट हुक को एंटर करेंगे और स्लिप नॉट को पीछे से आगे की ओर लाएंगे और आगे वाली 3 चेन को स्किप करेंगे। पहला जिसमें आप काम कर रहे हैं और उसके आगे की और 2 चेन, और जो फोर्थ चेन होगी, चौथी चेन, उसमें क्रोचेट हुक को यार्न ओवर करते हुए एंटर करेंगे। हुक में आपके 3 लूप्स हो गए। यार्न ओवर करके 3 का 2 करना है, फिर यार्न ओवर करके 2 का 1 कर देना है। तो यहाँ आपकी एक डबल क्रोशिया स्टिच बन गई। अब एक चेन बनानी है और सेम नीचे वाली चेन में जिसमें आपने डबल क्रोशिया किया है उसमें फिर से एक डबल क्रोशिया करना है और नीचे की एक चेन को स्किप करके उसके नेक्स्ट वाली चेन में क्रोचेट हुक को यार्न ओवर करते हुए एंटर करेंगे और फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर सेम नीचे वाली चेन में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये आपका एक वी पैटर्न रेडी हो जाएगा। इस प्रकार आपको 5 वी पैटर्न बनाने हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए। चैनल को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा जिससे उन्हें भी नए प्रोजेक्ट्स बनाने में आसानी होगी। और जो आपने आइटम्स मेरा चैनल देखते हुए बनाई हैं, उनको इंस्टा और फेसबुक पे शेयर भी करिएगा जिससे मुझे बहुत खुशी होगी। ये मैं लास्ट वाला वी पैटर्न बना रही हूँ। अब हम नीचे की फिर से 3 चेन स्किप करेंगे और जो हमारी फोर्थ चेन होगी उसमें हम क्रोचेट हुक को एंटर करेंगे और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और एक चेन बनाएंगे और थोड़ा सा इसको लॉन्ग खींचेंगे और एक्स्ट्रा फ्लावर्स को कट कर देंगे। तो यहाँ हमारे 2 राउंड कंप्लीट होते हैं। अब हम ऑरेंज कलर के एम्ब्रॉयडरी फ्लावर्स का यूज करेंगे 3rd राउंड के लिए और एक स्लिप नॉट बनाएंगे। अपने वर्क को आगे की ओर लाएंगे और जहां हमने ग्रीन वाला राउंड बनाया है उसके फर्स्ट चेन में एंटर करेंगे क्रोचेट हुक को और स्लिप नॉट को पीछे से आगे की ओर ले आएंगे और यहां हम 3 चेन बनाएंगे और यार्न ओवर करेंगे। अब हम वी शेप पैटर्न में एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे।
यार्न ओवर करेंगे, क्रोचेट हुक में आपके तीन लूप्स हो गए, यार्न ओवर करते हुए 3 का 2, 2 का 1 कर देंगे। तो इस प्रकार हमें वी शेप पैटर्न में 5 बार डबल क्रोशिया स्टिच बनानी है। 2, 3, ये 4 और ये 5। लूप को थोड़ा लंबा छोड़ेंगे। अब हम पीछे वाली जो स्टिच है हमारी पहली डबल क्रोशिया स्टिच, उसके लूप में क्रोचेट हुक को एंटर करेंगे और पहले वाले लूप को उसमें से निकाल देंगे स्लिप स्टिच करते हुए। तो ये आपका एक ट्यूलिप फ्लावर बन गया। फिर 2 चेन बनानी है और नेक्स्ट वाले वी में फिर से हमें 5 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाना है। वन, टू, थ्री, फोर और ये लास्ट 5। और पहले वाले डबल क्रोशिया में क्रोचेट हुक को एंटर करके आगे वाले में से पास कर लें स्लिप स्टिच करते हुए। तो ये एक आपकी पफ स्टिच बन गई। अब 2 चेन बनाएंगे और आगे वाले पैटर्न में, वी शेप पैटर्न में फिर से 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे और एक पफ स्टिच बनाएंगे और फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट वाले वी पैटर्न में, आगे वाले वी पैटर्न में हमें सेम रिपीट करना है। इस प्रकार हम 5 बार पफ स्टिच बनाएंगे 3rd रो में। लास्ट में 3 चेन बनाएंगे। 2 चेन तो आप बनाते ही हैं, एक और चेन बनाएंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाई थी। और जो व्हाइट वाली चेन है आपकी 1st रो की, उसमें क्रोचेट हुक को एंटर करेंगे और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे, लूप को थोड़ा लंबा खींचेंगे और यहां हम सीजर से एम्ब्रॉयडरी फ्लावर्स को कट कर देंगे। तो ये हमारी 3 रो बन के रेडी हैं। अब हमें आउटलाइन करनी है, व्हाइट फ्लावर्स का यूज करेंगे और एक स्लिप नॉट बना लेंगे। अपने वर्क को लेंगे, स्टार्टिंग वाला जो हमारा व्हाइट चेन का 1st रो का पार्ट है, उसमें हमें क्रोचेट हुक को एंटर करना है और स्लिप नॉट को पीछे से आगे की ओर लाना है। यहां एक चेन बनाएंगे और गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे 4 टाइम्स। 1, 2, 3, 4। अब जो ऑरेंज कलर के हमने 3 चेन बनाई थी, उस गैप को हमें भरना है। फिर से यहां पर 4 टाइम्स सिंगल क्रोशिया करना है। 1, 2, 3 and 4। अब जो ट्यूलिप फ्लावर का ऊपर वाला पार्ट है, जहां हमने डबल क्रोशिया किया था, वहां हम क्रोचेट हुक को एंटर करेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे वहां 2 बार। अब हम जो ट्यूलिप फ्लावर का सेंटर वाला पार्ट है, जहां एक फ्लावर बना है, वहां पर हम सेंटर वाले ट्यूलिप फ्लावर के पार्ट में क्रोचेट हुक को एंटर करेंगे। जो राउंड शेप आपको पार्ट नजर आ रहा है, उसमें क्रोचेट हुक एंटर करना है और वहां पर भी हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। फ्लावर का एक जो राउंड पार्ट होता है, जब आप बनाएंगे तो आपको नजर आएगा, उसमें 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे।
अब जो गैप है वहां पर ऑरेंज कलर का जहां दो चेन बनाई थी उसमें सिंगल क्रोशिया दो बार करेंगे। इस प्रकार थर्ड रो जो नीचे वाली है उसमें जो दो चेन बनाई है उसके गैप में दो बार सिंगल क्रोशिया करना है और ट्यूलिप फ्लावर के सेंटर में सिंगल क्रोशिया करना है दो बार। और अब लास्ट में जो हमने थर्ड रो की तीन चेन बनाई थी उस गैप को फिल करेंगे चार बार सिंगल क्रोशिया करते हुए, ये दो, ये तीन और ये लास्ट चार सिंगल क्रोशिया हो गए हमारे। अब हम जो पहले वाली चेन है व्हाइट कलर से वहां हम जो गैप है उसको फिल करेंगे चार बार सिंगल क्रोशिया करते हुए। जो धागे हैं अब हम बचे हुए जो धागे हैं उनको हम साथ लेके चलेंगे। सावधानी से करें क्योंकि आप धागों को साथ लेके काम कर रहे हैं, कोशिश करेंगे आपके बुनाई में ही आ जाएं। और एक्स्ट्रा जो धागे होंगे उनको हम कट कर देंगे। तो इस प्रकार हमें चार बार करते हुए सिंगल क्रोशिया व्हाइट वाले गैप को फिल करना है। अब ध्यान से देखें, थोड़ा सा चेंज है जो हमने वी पैटर्न बनाया है उसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे एक बार और उसके नेक्स्ट में दो बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस प्रकार सेकेंड राउंड का जो वी पार्ट है उसमें आपको एक बार सिंगल क्रोशिया करना है और उसके नेक्स्ट में जो गैप है उसमें दो बार सिंगल क्रोशिया करना है। और ऐसा करते हुए आपको इस राउंड को कंप्लीट करना है और लास्ट में जो सबसे पहली वाली सिंगल क्रोशिया है उसमें स्लिप स्टिच कर देनी है। एक चेन बनाएंगे और लूप को थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे। एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयडरी फ्लॉस को यहाँ हम कट कर देंगे और जो कट किया हुआ थ्रेड है उसको अपने वर्क के बैक साइड में क्रोचेट हुक की हेल्प से हम बैक लूप्स में एडजस्ट करेंगे और जो एक्स्ट्रा बचे हुए थ्रेड्स हैं उनको हम सीजर से कट कर देंगे। तो ये आपका एक ट्यूलिप फ्लावर का पैटर्न रेडी है। एक हार्ड बोर्ड लेंगे यहाँ हम क्योंकि हम इसमें फेविकॉल भी लगाएंगे, तो जिसके लिए हमें फ्लैट सरफेस चाहिए रहेगा। यहाँ मैंने एक बुकरम का यूज किया है। इस बुकरम को मैं कैसे क्लिप के ऊपर एडजस्ट करूंगी ये देखिए। यहाँ मैं दो क्लिप्स ले लूंगी और उसको हम बुकरम के ऊपर रखेंगे और पेंसिल की हेल्प से क्लिप को ड्रॉ करेंगे, क्लिप की एक आउटलाइन बनाएंगे जिससे हमें कटिंग में सहूलियत होगी। तो इस प्रकार आप जिस प्रकार मैं बना रही हूं क्लिप की एक आउटलाइन बनाएं, आगे थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए बनाएं क्योंकि हम इसकी कटिंग भी करेंगे आगे। तो ये देखिए इस प्रकार मैंने एक बुकरम के ऊपर क्लिप ड्रॉ कर दिया है। अब मैं इसके दो फोल्ड करूंगी क्योंकि मुझे दो क्लिप्स के लिए बुकरम का पार्ट चाहिए रहेगा। अब इसको दो में डिवाइड करते हुए ड्राइंग के ऊपर हमें कैंची से कट करना है। ध्यान रखें एक्स्ट्रा मार्जिन ड्रॉ करते हुए ही कट करें। ये आपके दो पार्ट हो गए, इसको मैं सेपरेट कर देती हूं यहां। अब इन दो पार्ट्स को इक्वली रखेंगे और उसको एक बार और फोल्ड करेंगे।
अब ऊपर का थोड़ा सा पार्ट छोड़ते हुए हमें एक सेंटर में कट लगाना है सीजर से। ये देखिए, ये कट मैंने इसलिए लगाया, अब हम क्लिप को जब इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, फिक्स करेंगे, तो ये इस प्रकार नजर आएगी। इस प्रकार दूसरी क्लिप में भी, जहां सेंटर में आपने कट लगाया है, क्लिप को खोलते हुए इस प्रकार लगाएं। अब हम फेविकॉल की हेल्प से जो हमने पैटर्न बनाया है उसको चिपकाएंगे, फिक्स करेंगे क्लिप के ऊपर। क्लिप का आगे वाला पार्ट लेंगे, उसमें फेविकॉल को लगाएंगे। ब्लैक वाले पार्ट में फेविकॉल लगाएं और सेंटर वाला जो व्हाइट पार्ट है उसमें फेविकॉल लगाएं अच्छे से, और पैटर्न को अब हम इस प्रकार रखेंगे। आप सरफेस पे रखते हुए पैटर्न को लगाएं क्लिप के ऊपर। मेरे को प्रैक्टिस है इसलिए मैं ऊपर उठा के पैटर्न को लगा रही हूँ। जैसी आपको सहूलियत हो वैसे ही प्लेस करें। एक बार इसको हाथ से प्रेस कर देंगे। अब एक्स्ट्रा जो पार्ट निकला हुआ है व्हाइट पार्ट, उसको बुकरम वाला जो व्हाइट पार्ट है कट करेंगे। मैं यहाँ पर फेविकॉल लगाने के तुरंत बाद कटिंग कर रही हूँ, लेकिन आप सूखने पे करें। तो ये देखिए, एक ट्यूलिप क्लिप बनके रेडी है आपका। तो इस प्रकार ट्यूलिप फ्लावर क्लिप्स बनाएं आप और फैमिली फ्रेंड्स को गिफ्ट करें, और आप स्वयं भी इसे अपने बालों में लगाएं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे टाइम से आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। यहाँ मैंने क्लिप्स बनाने के लिए एम्ब्रॉयडरी फ्लॉस का यूज किया। आप चाहें तो कॉटन थ्रेड्स का यूज या फिर कम प्लाई की वूल का भी यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फरिश्ता क्राफ्ट, एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। हैप्पी क्रोचेटिंग।